अंटवा फेम डीएसपी के खिलाफ एफआईआर। एक्टर ने दी स्टूडियो में घुसकर हंगामा मचाने की धमकी। ओ अंटवा फेम कंपोजर डीएसके उर्फ देवी श्री प्रसाद के खिलाफ केस हो गया है। मामला धार्मिक भावनाओं को आहत करने से जुड़ा हुआ है। डीएसपी के खिलाफ ये एफआईआर एक्टर और कॉमेडियन कराटे कल्याणी ने दर्ज करवाया है। साथ ही उनके स्टूडियो में घुसकर हंगामा करने की भी धमकी दी है। कल्याणी का कहना है कि डीएसपी के नए गाने में छोटे छोटे कपड़े पहने महिलाएं मंत्रोच्चार कर रही है, इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। 4 अक्टूबर को डीएसपी ने ओ परी नाम का सॉन्ग रिलीज किया। इसे इंडिया का पहला पैन इंडिया पॉप सॉन्ग कहकर प्रमोट किया गया। इस गाने में डीएसपी के साथ कई मॉडल्स भी नजर आ रही हैं। इस गाने में कई मौकों पर रामा हरे कृष्णा हरे सुनाई आता है। इस बात पर एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कल्याणी ने कहा, वो शख्स जिन्होंने ऊ अंटवा जैसा आइटम सॉन्ग बनाया, अब उनका नया गाना आया है। इसमें अर्ध नग्न और बिकनी पहने महिलाएं मंत्रोच्चार कर रही है, इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। क्या उन्होंने ये गाना रिलीज करने से पहले एक बार भी सोचा कि इस किस्म के उत्तेजक चित्रण से हमें कितनी तकलीफ होगी? अगर आप हिंदू धर्म का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम उसका अपमान तो मत करिए। हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, हमारी मांग है कि अपनी इस गलती के लिए आप माफ़ी मांगे और इस गाने को यूट्यूब से हटाए। अगर जरूरत पड़ी तो हम उनके स्टूडियो में घुसकर अपनी बात सुनाएंगे। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद यूजर्स का क्या रिएक्शन है, आइए बताते हैं। भारती नाम के ट्विटर हैंडल कुछ तस्वीरें पोस्ट करके कहते हैं, ये पाकिस्तानी सेना और पुलिस की महिलाएं हैं, उन्होंने धर्म छोड़ा संस्कृति नहीं और हमने संस्कृति छोड़ी धर्म नहीं। इसके लिए पाकिस्तानी नेताओं का सम्मान होना चाहिए और भारतीय नेताओं का अपमान होना चाहिए। सौरव सुमन नाम के शख्स ने ट्वीट किया, कपड़े से किसी को जज करना बंद करो। अमित जैन नाम के शख्स ने पूछा, किसी भी धर्म का अपमान करना ही क्यों है? बता दें कराटे कल्याणी की शिकायत पर डीएसपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A और 295A के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के एसीपी प्रसाद ने इस बारे में इंडिया टुडे से बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें ललित कुमार और कराटे कल्याणी से डीएसपी के गाने के खिलाफ कंप्लेंट मिली। ये लीगल मैटर है, इसलिए वो इस मामले की जांच करेंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल न्यूज आप तक पहुंचती रहे।